नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर। पीएम मोदी आज 3 चुनावी सभा करने वाले हैं। दमोह में होगी पहली सभा, दोपहर में गुना में पीएम मोदी करेंगे रैली। दोपहर में गुना में पीएम मोदी रैली करेंगे और पीएम आज शाम मुरैना में भी चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी के निशाने पर रहेगी कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और यहां पर 3 चुनावी जनसभाएं वो करने वाले हैं। पहली सभा दमोह में करेंगे, दूसरी गुना और तीसरी मुरैना में। मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए लगातार राजनीतिक पार्टियां यहां पर जनता से रूबरू हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और 3 चुनावी सभाएं रखी गई हैं। जी, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही है वो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भले शिवराज सिंह चौहान कई सालों से मध्य प्रदेश के रहे हैं लेकिन इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम का किसी भी तरीके से ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए मोदी ही मध्य प्रदेश के मन में है, ये मंत्र भी भाजपा ने मध्य प्रदेश में दिया। इसी के तहत आज चंबल और ग्वालियर संभाग में नरेंद्र मोदी जो है तीन सभाएं यहां पर करेंगे, जिसमें मुरैना, दमोह और गुना शामिल है। सबसे पहले दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 11 बजे मोदी जी की सभा है दमोह में, उसके बाद 1 बजे गुना में सभा है और शाम 4 बजे मुरैना। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे आपसे विनीत की, देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी भी इंदौर पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो वहां पे प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगे जाएंगे, तो बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से मिशन मध्य प्रदेश के मोड में है। जी, मैं बता दूं आपको कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक साथ में अन्य जो दल है उसके स्टार प्रचारक भी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आज इंदौर में रहेंगी जो कि सावेर और खातेगांव में अपनी सभा को संबोधित करेंगी। इंदौर में बता दूं मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में आता है और ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम क्षेत्र है, जहां पर कांग्रेस ये चाहती है कि सभी सीटों पर विजयश्री प्राप्त हो। पिछली बार भी कांग्रेस को मालवा में जो है वो अच्छी खासी बढ़त मिली थी और इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी का ये दौरा बहुत ही अहम हो जाता है। वहीं चंबल और ग्वालियर संभाग की बात करें, साथ ही मालवा की बात करें, तो दोनों ही रीजन जो है कहीं से भी कांग्रेस और भाजपा पिछड़ना नहीं चाहती।
बिल्कुल विनीत, अगर हम देखें तो बीजेपी के पास कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे काम हैं जनता को गिनाने के लिए, लेकिन पिछली बार का आपको याद होगा चुनाव, जहां पर सीटें तो कांग्रेस की ज्यादा आई थी, लेकिन आप देखिए कि बाद में गुटबाजी हुई और उसके बाद सरकार बीजेपी की बन गई, तो क्या ये भी एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि अक्सर कांग्रेस ऑपरेशन लोटस को लेकर सवाल उठाती रही है, क्या ये मुद्दा भी चुनावी रैलियों में गूंजेगा इस बार? बिल्कुल, ये मुद्दा पिछले उपचुनाव जो पिछली बार सरकार कांग्रेस की गिरी थी उसका जो चुनाव 28 सीटों पे हुए थे उसमें भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था और इस बार भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो टूटकर भाजपा में शामिल हुए थे उन्हें इस सवाल का जवाब अब जिंदगी भर देना पड़ेगा और तय बात है कि इस बार भी सिंधिया खेमे के वो विधायक जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें इस बात का जवाब जनता के बीच में जरूर जाके देना पड़ता। लेकिन वही पिछले उपचुनाव में इन लोगों की जीत इस पर भी हुई थी कि इन लोगों ने बीजेपी में जाकर कहीं ना कहीं लोगों के विकास के लिए गए थे, इसी इस चीज को ये लोग लोगों को बताने में कामयाब हो पाए थे। चलिए बने रहिए विनीत, आगे आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रियंका गांधी का मिशन मध्य प्रदेश। इंदौर में प्रियंका गांधी रोड शो करने वाली हैं, जनसभा को भी प्रियंका यहां पर संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी संजय के समर्थन में वोट मांगेंगी प्रियंका। इंदौर में आज प्रियंका गांधी रोड शो करने वाली हैं। प्रियंका गांधी आज मिशन मध्य प्रदेश पर, और इसी क्रम में देखिए एक जनसभा को संबोधित किया जाना है, एक रोड शो भी प्रियंका गांधी यहां पर करेंगी। आगे बढ़ते हैं, सीएम केजरीवाल के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी देखिए उनके साथ रहेंगे। आज सीएम केजरीवाल मध्य प्रदेश जा रहे हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। सीएम रोड शो कर चुनावी हुंकार भरेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ममता मीणा के समर्थन में वोट मांगेंगे। हमारे साथ सहयोगी विनीत श्रीवास्तव बने हुए हैं। विनीत, देखिए आज कहा जा सकता है कि आज वो दिन है जब तमाम स्टार प्रचारक हर पार्टी के मध्य प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रियंका गांधी हैं और साथ में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। जी मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी को अगर मध्य प्रदेश में किसी सीट से उम्मीद है तो ये ममता मीणा वाली सीट से ही उन्हें उम्मीद है। वो सोच रहे हैं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश में आकर विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोल सकती है। इसीलिए दो दो प्रदेश मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के आला दर्जे के नेता भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो है वो आज मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। दूसरे चरण की तैयारियों में जुटी है दरअसल कांग्रेस। अंबिकापुर और जशपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल। छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। देखिए कल ही पहले चरण का चुनाव हुआ है, अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस जुट चुकी है तैयारियों में। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और यहां पर वो चुनावी सभाएं करेंगे। जशपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही अंबिकापुर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ एमपीसीजी के स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, राहुल गांधी देखिए आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, कल ही पहले चरण का चुनाव हुआ है, दूसरे चरण के लिए कांग्रेस जुट चुकी है। जी जी चारुल, आज राहुल गांधी जो है वो सरगुजा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सरगुजा क्षेत्र जो है उसने पिछली बार कांग्रेस को पूरी 14 में से 14 सीट दी थी,
बस्तर ने 12 में से 12 11 दी थी, लेकिन बाद में उपचुनाव में बस्तर में 12-12 हो गए थे। और इस बार जो है सरगुजा जो है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां से टीएस सिंहदेव आते हैं, जो ढाई साल के फॉर्मूले पे लेकर सरकार में जो मनमुटाव रहा उसका भी क्षेत्र है वो। और कल राहुल गांधी अंबिकापुर में एक सभा करेंगे, उसके अलावा वो वहां से उससे पहले अंबिकापुर में उतरने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे जशपुर। जशपुर एक कोल फील्ड एरिया है, बड़ा एरिया है और वनांचल है, पहाड़ है, तो वहां पर एक सभा करेंगे। उसके बाद वो आएंगे अंबिकापुर के कत्कालो ब्लॉक में, वहां एक आम सभा करेंगे और 4:30 बजे वो वापस लौट जाएंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी कल आ चुकी है, कल प्रियंका गांधी ने कुरूद और बालोद में जो है आम सभाएं की थी। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिर से जो है वो महादेव ऐप के झटके से उभर चुकी है, अब फिर से पूरी ताकत लगा रही, पूरा फोकस उनका यहाँ है। चारुल, राहुल गांधी के अलावा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कल आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो है पूर्वा और कोरिया दो जिले हैं, वहां पर दौरा है। कोरिया जो है सुदूर है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है कोरिया जिला, वहाँ एक सभा करेंगे और एक सभा जो है कोरबा में करेंगे। कोरबा जो है औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, वहाँ से कांग्रेस के कद्दावर मंत्री जयसिंह अग्रवाल चुनाव मैदान में है और कोरबा क्षेत्र में भी जो है कांग्रेस को पिछली बार अच्छी खासी सफलता मिली थी। और उसके अलावा आज जो है सबसे बड़ी बात जो है, आज जो है बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती भी आ रही है। मायावती आज बिलासपुर में साइंस कॉलेज में जो सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो शक्ति जाएंगे। शक्ति जिला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में चरणदास महन, डॉक्टर चरणदास महन, उनके प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, वहाँ वो हसौद में आम सभा करेंगे। क्योंकि मायावती का दौरा जो है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मायावती जिस क्षेत्र में जा रही है वहाँ बसपा का प्रभाव तो है। यहाँ पर 2-3 विधायक बसपा के रहते आए हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, तो उनका दौरा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट करता नजर आ रहा है। जी चारू, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल जी। आगे बढ़ते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिगड़े बोल। विधानसभा में महिला को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जातीय गणना पर बोलते समय विवादित प्रतिक्रिया दे दी है। नीतीश के बयान पर महिला विधायक ने आपत्ति जताई। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनके शब्दों के लिए घेरा। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार के मन में सम्मान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर घिर गए। उन्होंने बिहार विधानसभा में जातीय गणना पर बोलते समय आबादी के मुद्दे पर शादीशुदा जोड़े के शारीरिक संबंध को लेकर प्रतिक्रिया दे दी, जिस पर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस की महिला विधायक ने सीएम के बयान पर नाराजगी जताई। बीजेपी भी नीतीश के बयान को लेकर उन्हें घेरने में जुटी है। ऐसे में बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। जाता है जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब को याद करिए, अब पहले क्या था, सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर अब सियासत होने लगी है, सियासी बयानबाजी भी हो रही है, सुनाते हैं आपको। सिर्फ महिलाओं का है इसमें योगदान नहीं होता है, महिला पुरुष दोनों को, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से अपना पर्यावरण दूषित होते जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसमें मैं सभी समाज से अपील करना चाहती हूँ कि जनसंख्या कंट्रोल पे सबको ध्यान देना चाहिए और नेता, खासतौर से नेता कैसे कहा मैडम, क्या वो सही था अंदाज? देखिए अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। सही कहना, महिला विधायकों का आपत्ति सही है, उनकी आपत्ति सही जा करके है, ऐसा बोलना उनको नहीं चाहिए था जाकर के, उनको जिस तरह की बातें रखनी चाहिए थी
उससे थोड़ा भटक गए रास्ता जाकर के, तो अच्छा नहीं रहा जाकर के, इससे महिलाओं में नाराजगी काफ़ी बढ़ गई जाकर के, अच्छा संदेश नहीं गया जाकर के। और हम चाहेंगे कि सारे चीज़ जो हो रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से भी मांग था, आज भी मांग है और आगे भी जारी रहेगा। अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है साइंस बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल है क्या करना है, प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट नॉट टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा, और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है, और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। जब शादी होगा लड़का लड़की में, मासा सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हैं। राजीव, देखिए हैरानी की बात है कि एक मुख्यमंत्री के बयान को जो कि वो विधानसभा में देते हैं अगर हमें इस तरह से सुनना पड़े, और खासकर महिलाओं को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है, एक तरफ वो महिलाओं के हक में बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के बयान देते हैं। बिल्कुल, किसी भी बात को कहने का उसका अपना एक अंदाज होता है, अपना एक बॉडी लैंग्वेज होता है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे सदन में, उस समय उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा, और यही कारण है कि उनके इस बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। जब मुख्यमंत्री ये सदन में बयान दे रहे थे उस वक्त उस सदन में न सिर्फ पुरुष विधायक थे बल्कि महिला विधायक भी थी, और चाहे उनके पक्ष की हो या विपक्ष की हो, तमाम लोग असहज महसूस किए, और यही कारण है कि कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि नहीं, उनको शब्दों का चयन करना चाहिए और ऐसी कुछ बातों से परहेज करनी चाहिए। तो देखिए, जो शारीरिक संबंध की बात है और शादी के संबंध की बात है, इसकी चर्चा क्या हम सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में कर सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर कर सकते हैं? क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो उनके हर शब्दों पर सारे लोगों का ध्यान होगा। वो बिहार के पूरे 13 करोड़ जनता के वो प्रतिनिधि हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरह के बयानों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर तमाम तरह से उनकी आलोचना हुई है। अंदर खाने से जो पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, तो निश्चित तौर से खुल के बोल रहे हैं, लेकिन पक्ष में भी बैठे लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के इस बयान से इत्तफाक नहीं रखते, और सबका यही कहना है कि इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के मुंह से जो दिया गया, वहां उनके तरफ से जो कहा गया, वो बिल्कुल सम्मानजनक नहीं है। लेकिन बिल्कुल देखिए, ऐसे बयान बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।